Hello people, how are you all? I'm back again with the new question. Question number 3, exercise 4.4. So let's start. The question says, sort the following equations. Now, yahan pe direct equations nahi hai. Again, aapke paas situations hai. Aapko usse equation form karni hai and then usse solve karna hai. So, Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times and so on. Ye question humne pehle bhi kiya hai. Jab humne 4.2 में आई थिंक एक्सरसाइज भी जब हम बुक सब कर रहे थे ना जिसमें हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी थी तब हमने सॉल्व करना नहीं सीखा था लेकिन इक्वेशंस फॉर्म करे थे एंड दिस इज द सेम क्वेश्चन सो लेट्स डू इट अगेन इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमिट हैज व्हाट डज इट मीन इरफान कहता है कि जो उसके पास जितनी मार्बल्स हैं दे आर 7 मार्बल्स मोर देन 7 ज्यादा है किससे 5 टाइम्स दी मार्बल परमिट है जितनी मार्बल्स परमिट के पास है उसका 5 टाइम्स कर दो और उसमें 7 और ऐड कर दो सो उतनी मार्बल्स इरफान के पास है नाउ इरफान हैज 37 मार्बल्स और फिर ये भी बता दिए कि इरफान के पास कितनी मार्बल्स है 37 ठीक है हाउ मेनी मार्बल्स डस परमिट हैज अब आपको फाइंड करना है कि परमिट के पास कितनी मार्बल्स है तो सबसे पहले तो इसमें हम लेट कर लेंगे लेट स्टार्ट दिस इज द फर्स्ट पार्ट सो लेट द मार्बल्स या लेट परमिट्स मार्बल सो लेट परमिट्स मार्बल्स बी एक्स अब हमने लेट कर ली कि परमिट के पास जितनी मार्बल्स है वो एक्स है अब इरफान से इसके उसके पास कितनी है 7 ज्यादा है किससे ज्यादा है 5 टाइम्स दी मार्बल परमिट है 5 टाइम्स दी मार्बल परमिट मतलब परमिट के पास एक्स है इसका 5 टाइम्स कर दो विच विल बी 5x ठीक है सो 7 मोर देन 5 टाइम्स दी मार्बल परमिट हैज इक्वल्स टू और अब इरफान ये सारा हमने किसका लिखा है इरफान की मार्बल्स का और इरफान के पास कितनी मार्बल्स है 37 इट इज गिवन सो ये हो जाएगा 37 ठीक है सबसे मेन चीज है इक्वेशन फॉर्म करना बिकॉज अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आता सिचुएशन क्लियर नहीं होगी तो आप गलत इक्वेशन फॉर्म करोगे एंड अगर इक्वेशन गलत है देन ऑब्वियसली सॉल्यूशन भी गलत होगा ठीक है सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आपको समझ आए स्टेटमेंट में क्या कह रहे हो उसे बार बार रीड करना चाहिए इक्वेशन बनाने के बाद भी एक बार आपको क्रॉस चेक करना चाहिए कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं कर दिया फाइन सो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई लेट्स सॉल्व दिस सो दिस इज 7 प्लस 5x इक्वल्स टू 37 सबसे पहले 7 को उधर भेज देंगे सो ये हो गया 5x इक्वल्स टू 37 नाउ यहाँ पे 7 के आगे क्या है प्लस मीन 7 प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा सो दिस विल बी माइनस 7 नाउ 5x इक्वल्स टू 37 माइनस 7 इज 30 राइट सो नाउ x इक्वल्स टू 30 अपॉन 5 बिकॉज यहाँ पे x 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा सो इसको अगर हम कट कर देंगे सो ये आ जाएगा 6 बिकॉज 5 6 आ 30 सो दिस मीन्स x equals to 6 and what does it means that therefore permits marble equals to 6 or you can say permit has 6 marbles fine so this was the first part let's come to the second part so now coming to the second part Lakshmi's father is 49 years old now Lakshmi ke father ki age de rakhi hai that is 49 years old, he is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. 4 years older मतलब 4 साल बड़े हैं किससे 3 times Lakshmi's age मतलब Lakshmi की जो age है जो उनकी daughter है उसकी age का अगर आप 3 times कर दो और उसके बाद भी उसमें 4 years और add कर दो तो उसके father की age आएगी जो कि हमें already given है सो व्हाट इज लक्ष्मी एज अब आपको फाइंड करना है कि लक्ष्मी की एज क्या है तो सबसे पहले वी स्टार्ट बाय लेटिंग लक्ष्मी एज एक्स वाई जेड कुछ भी लेट कर सकते हैं सो लेट
Lakshmi's age be X. I'm very fond of X letter. मैं हर question में X लेती हूँ. ठीक है? आप इसमें कोई भी variable ले सकते हो. So let Lakshmi's age be X. Now, अब हम equation form करते हैं. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. अब सबसे पहले तो 3 times का मतलब क्या है? लक्ष्मी की एज अगर X है, तो इसका 3 time करना, मतलब इसको 3 से multiply करना. So 3 time X is 3X. ठीक है? और इसमें हमें और क्या add करना है? 4 years. So means 3X, that is 3 times Lakshmi's age, plus 4, that is 4 years older जो दे रखा था. ठीक है? So ये जो हमने equation लिखी है, ये किसकी एज है? Father की एज. और father की एज हमें क्या given है? 49. तो equals to की इस साइड आ जाएगा 49. So हमारी equation आगे 3X plus 4 equals to 49. Now let's solve this. 3x equals to plus 4, इधर चला जाएगा, this will become minus 4, so 49 minus 4, so 3x equals to, अब अगर हम इसको minus करेंगे, 9 में से 4 गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, that is 5, and here we have 4, so 3x equals to 45, now x की value क्या आ जाएगी, अगर 3x 45 है, x के साथ 3, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम यहां भेज देंगे क्या हो जाएगा डिवाइड सो ये हो गया 45 अपॉन 3 नाउ अब हम चेक करेंगे पहले कि 45 3 से कट सकता है सो इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 4 plus 5 दैट इज 9 सो 9 कम्स इन 3 टेबल सो 3 1s are 3 अगेन 3 1s are 3 15 दैट इज 5 सो मींस x की वैल्यू आ जाएगी 15. Therefore, Lakshmi age is 15. Or you can say Lakshmi is 15 years old. Fine. हमें find क्या करना था? Lakshmi की age. And that is 15. Fine. Now let's come to next part. So now coming to the next part. People of Sundargram planted a total of 102 trees in the village garden. Now, there is a name of this village and यहाँ पे लोगों ने plant करे कुछ trees they are 102 मतलब total जो trees plant हुए हैं they are 102 some of the trees were fruit trees उसमें से कुछ fruit trees हैं the number of non fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees अब इसमें जो non fruit trees थे मतलब जो fruit trees नहीं थे वो 2 more then 3 times the number, मतलब जो fruit trees थे, उसका अगर हम 3 time कर दें, और उसमें 2 और add कर दें, तो उतने हमारे पास non-fruit trees हैं. What was the number of fruit trees planted? अब हमसे पूछे कि fruit trees जो plant हुए, वो total कितने थे? अब यहाँ पे किसी का भी number नहीं दे रखा है, ना non-fruit trees का दे रखा है, ना ही fruit trees का दे रखा है. लेकिन हमें total दे रखा है कि दोनों को मिला के 102 trees हैं. Fine. So we'll start by letting third part. Now, अब इसमें हम let क्या करेंगे? Fruit trees let करनी चाहिए X या non-fruit trees. Now see, आपको given क्या है? आपको non-fruit trees का description given है किसके based पे? Fruit trees के based पे, ठीक है? कि non-fruit trees उसका double करके या triple करके या उसमें इतना add करके non-fruit आएंगे. So means अगर मैं fruit trees को ले लूँ X तो मैं इसकी भी वैल्यू निकाल सकती हूँ. Let's see what I'm saying. So let the fruit trees be x. ठीक है? ये हमने x ले लिया. अब non-fruit trees. So non-fruit trees will be equal to. अब यहाँ पे देखते हैं non-fruit trees के बारे में क्या कहा है. Two more than दो ज्यादा है किससे 3 times the number of fruit trees. Number of fruit trees हमने x लिया है. So, 3 times इसका कर देंगे. Plus, कितना ज्यादा 2 more. मतलब 2 और ज्यादा. So, x अगर हमने fruit tree को लिया है, तो non-fruit tree हो जाएगा x का 3 times plus 2. ठीक है? So, ये दोनों हमारे पास आगे की fruit trees इतने हैं, non-fruit trees इतने हैं. So now, total हमें given है,
कि टोटल कितने हैं, टोटल ट्रीज जो प्लांट करें दे आर 102, मींस के फ्रूट ट्रीज और नॉन फ्रूट ट्रीज को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो कितने हैं टोटल ट्रीज। सो नाउ यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस tx प्लस 2 इक्वल्स टू 102, ये हो गए फ्रूट ट्रीज, मींस x हमारा है नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, ये हो गया नॉन फ्रूट ट्रीज, मींस नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज कितने हैं 3x प्लस 2, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल फ्रूट ट्री सॉरी तो टोटल ट्रीज आ गए 102। नाउ लेट्स सॉल्व द इक्वेशन। सो यहाँ पे दो x की टर्म है तो मैं दोनों x की टर्म को एक साथ कर सकती हूँ, सो 3 प्लस 1 विल बिकम 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 102, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 2 है इसको इधर भेज देंगे, दिस विल बी 4x इक्वल्स टू 102 माइनस 2, बिकॉज यहाँ पे प्लस 2 है इधर जाके माइनस हो जाएगा, सो 4x equals to 102 minus 2 is 100. So now x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी इधर भेज सकते हैं, सो ये हो जाएगा x equals to 100 upon 4, ठीक है। सो अब इसको कट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद 2, सो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड दिस विल बिकम 50 बिकॉज 5 2 जा 10 एंड देन 0, सो नाउ वी हैव 50 एंड 2, तो 2 को हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2 5 विल कम, 2 2 जा 4 एंड दिस विल बिकम 10, तो ये हो जाएगा 5, सो मींस x इक्वल्स टू 25। अब x इक्वल्स टू 25 का क्या मतलब है, नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज आ गए 25, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांट, सो हमसे यही पूछा है कि फ्रूट ट्रीज कितने प्लांट हुए थे, तो देयर वर 25 फ्रूट ट्रीज, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4।